में खाद्य विभाग के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का नारा है अपात्र को ना और पात्र को हाँ। वहीं अभियान के तहत कई राशन कार्ड धारकों ने अपने राशन कार्ड जमा करा दिए हैं और जो अपात्र होते हुए भी राशन कार्ड उठा रहे थे। इस अभियान को और तेज करने के लिए प्रदेश की खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि खाद्य विभाग द्वारा चलाए गए अभियान में कई अपात्र लोगों ने अपने राशन कार्ड विभाग को जमा कराए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे उपभोक्ता हैं जो कि अपात्र होकर भी गरीबों का राशन ले रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि सभी जिला आपूर्ति अधिकारी और राशन डीलरों को यह निर्देशित किया गया है कि ऐसे लोगों को अपात्र हैं और पात्र का राशन प्राप्त कर रहे हैं उनके नामों से की लिस्ट संबंधित राशन दुकानों के बाहर चस्पा करें ताकि लोगों को उनके बारे में पता चल सके और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनकी शिकायत विभाग को कर सकें। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। अभियान था अपात्र को ना पात्र को, उस अभियान में बहुत सारे ऐसे अपात्र कार्ड धारकों ने अपने कार्ड सरेंडर करे और वो पात्र कार्ड धारकों को आज वो मिल भी चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास शिकायतें आ रही हैं कि अब भी ऐसे हमारे अपात्र लोग बचे हुए हैं जो कि सक्षम होकर जो है गरीबों का राशन जो है खाद्यान्न का उपयोग कर रहे हैं। तो ये आज राशन डीलरों को भी और हमारे विभाग के DSOs को भी ये निर्देश कर दिया है कि राशन डीलर अपने दुकान के आगे एक स्टैंडी लगाएं जिसमें मोटे मोटे अक्षरों में चाहे वो गुलाबी कार्ड धारक हो अथवा सफ़ेद कार्ड धारक हो उनका नाम अंकन हो।